हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन में स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जो हमारी पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स को यानी कि प्रारंभिक सांख्यिकी को कंप्लीट कर लेंगे, और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी अभी तक पीजीटी के एग्जाम्स हुए हैं, उन पीजीटी एग्जाम्स में जितने भी बार इस टॉपिक पर क्वेश्चंस आए हैं, उनको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना, कैसे और क्या पढ़ना है, इसमें कितना इन डेप्थ में जाना है या फिर कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो अभी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं अपने इस पार्ट 3 को। हम इससे पहले 2 वीडियोज को अपलोड कर चुके हैं, उन 2 वीडियोज में इसकी इनिशियल चीजों के बारे में बताया था। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरूर से याद कर लीजिएगा, अदरवाइज आप एक नंबर मिनिमम आपका एक क्वेश्चन में आता है, एक से ज्यादा नहीं आता है, वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये एक मार्क भी अपना सिक्योर करना है। तो उन 2 वीडियोस को भी देखिएगा, उसके बाद इस पार्ट 3 वीडियो को देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में, कि जो हम डाटा यूज करते हैं, जो भी हमने किसी भी मेथड से अचीव किया है डाटा, चाहे वो हमारा क्वेश्चन आयर फिल करवा के हो, चाहे इंटरव्यू मेथड से हो, चाहे ऑब्जर्वेशन मेथड से हो, चाहे रेटिंग स्किल से हो, कैसे भी हमने जो डाटा है वो गैदर किया है, उस डाटा को हम, वो डाटा जो हमारा होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आता है। मतलब कि प्रत्येक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए या पर्टिकुलर किसी सिचुएशन के लिए किसी पर्सन ने, किसी रिस्पोंडेंट ने क्या रिस्पॉन्ड किया है, वो आपकी और बाकी सब लोगों ने भी क्या रिस्पॉन्स किया है पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बंटवारा, उसको किस तरीके से हमको उसमें हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कितने जो आपके रिस्पोंडेंट हैं वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं और किस तरीके का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास एक रॉ डाटा के फॉर्म में होती है। जो डाटा होता है वो कई तरीके का हो सकता है और उसको हम कई तरीके से अरेंज करते हैं, जैसा कि ये डाटा बहुत तरीके, बहुत काफी सारे तरीकों में हमें मिलता है। एक होता है आपका रॉ डाटा, या इसे अनऑर्गेनाइज्ड डाटा भी कह सकते हैं, या सेट ऑफ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल सीरीज ऑफ डाटा भी कह सकते हैं। सेकंड आपका होता है डिस्क्रीटेड डाटा, जिसे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। और थर्ड आपका आता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। तो ये आपके 3 टाइप्स हैं, इनका आपको अच्छे से नाम याद रखना है। बेसिकली आपका रॉ डाटा है, डिस्क्रीटेड है, और आपका कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बहुत कॉमन नेम है, बट अबाउट आपको अदर जो ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं वो भी पता होने चाहिए, क्योंकि किसी भी नाम से आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये हमारे 3 टाइप के डाटा होते हैं जो हम अचीव करते हैं, और ये जो डाटा होते हैं इनका पर्टिकुलर क्या काम होता है, ये जो रॉ डाटा होता है, दिस इज द फर्स्ट हैंड डाटा विच इज नॉट येट अरेंज्ड इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। और ये जो डाटा होता है वो एकदम स्क्रेटेड होता है डाटा, मतलब जो भी आपने लिया, आपने जैसे कोई भी मार्केट से जैसे क्ले ली, उस वो जो क्ले है वो आपकी रॉ है, और उसको आप जिस तरीके से बिल्ड कर देंगे वो उससे एक रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। उस तरीके से जो डाटा आपने ऑब्जर्वेशन या फिर जिस भी मेथड के थ्रू आपने रेटिंग स्केल के थ्रू उसको अचीव किया है, तो वो एज इट इज आपके पास जो रखा हुआ है वो रॉ डाटा है। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर मेड बाय ऑब्जर्वर, इसमें जितने जैसे आपका जो आपके जो रिस्पोंडेंट किस आपने नंबर रखे हैं वो 100 रखे हैं, 15400 रखे हैं, तो वो आपके पास एज इट इज रॉ फॉर्म में आपके पास रखे हुए होते हैं। डिस्क्रीटेड डाटा क्या है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ रॉ डाटा बट रिप्रेजेंट डाटा इन क्विक बेटर वे, द रिपीटिशन ऑफ नंबर इज फाउंड द फैसिलिटेट थ्रू टैली मेथड। ये जो टैली मेथड आपने पढ़ा होगा, जो देखा होगा, तो उसमें ये होता तो रॉ डाटा ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया जाता है, जिसमें आपको जैसे कि टैली मेथड होता है उसके फॉर्म में उसको थोड़ा सा अरेंज करके प्रेजेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है ग्रुप फ्रिक्वेंसी डाटा या फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दिस इज अ कॉन्टिन्यूस डाटा विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डाटा, मतलब जब ये किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है तब ये आपका ग्रुप डाटा हो जाता है। नंबर ऑफ डाटा मतलब ये आपका अरेंज्ड होता है फिक्स्ड रेंज में, और ये आपका पहले से अरेंज होता है। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, जिन क्लासेस में इसको फिक्स किया जाता है, 2 तरीके की क्लासेस होती हैं। देखिए, ये रॉ डाटा होता है जो आपके पास रॉ फॉर्म में होता है, कि किसी ने किसी चीज का किस तरीके से आंसर्स दिए हुए हैं, या फिर आपके पास जो भी आंसर्स हैं वो रॉ फॉर्म में आगे पीछे उल्टे सीधे लगे हुए हैं, तो वो आपका रॉ डाटा है। डिस्क्रीटेड डाटा है जब आपने इसी डाटा को
टैली मेथड, यानी कि यहाँ से आप काटते गए और यहाँ पर देखते गए और उसकी टैली लगाते गए। तो टैली क्या होती है, 4 तक तो आप सिंपल 1 2 3 4 करते हैं, जब आपका 5 आ जाता है तो उसको ऐसे कट कर देते हैं, तो ये आपका एक ग्रुप बन जाता है। तो अगर आपके पास किसी किसी भी एरिया में 5 से ज्यादा टैली आई है, मतलब 5 से ज्यादा एक ही चीज के लिए किसी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, तो आप 1 2 3 4 और ये 5 से आप जब काट देंगे, फिर उसके बाद 6 ऐसे लिखेंगे। तो इस तरीके से टैली को आप इसमें इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पर आप फिर फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, मतलब जो भी आपके टैली नंबर्स आए हैं वो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में, मतलब कितनी बार वो रिपीट हुआ है ये लिख दिया जाता है। जैसे कि ये 2 बार है तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके 8 टैलीज हैं तो यहाँ आपने आपने फ्रीक्वेंसी 8 लिख दी है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का जो है वो सम हो जाता है, यानी कि टोटल हो जाता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। इससे पता चलता है कि जितने हमारे रिस्पोंडेंट थे क्या उतनी ही फ्रीक्वेंसी आई है या नहीं। तो ये आपका डिस्क्रीटेड डाटा होता है। उसके बाद हमारा आता है कि टाइप ऑफ क्लासेस, मतलब ये जो आपका ग्रुप डाटा होता है उसको हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, या जो आपका ये जो टैलीज हैं या फिर ये जो चीजें हैं जो डाटा मिला है आपको, उसको आप 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, उसको आप बांट देते हैं और उसको मैनेज करते हैं। एक ओपन एंडेड और दूसरा क्लोज एंडेड डाटा होता है। जो आपका ओपन एंडेड डाटा होता है इसमें कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती हैं, और ये लोअर और अपर लिमिट इनकी कुछ भी हो सकती है। लोअर और अपर लिमिट इज नॉट न्यूमेरिकली फिक्स्ड बट आर शोन थ्रू लोअर देन और अपर देन वर्ड। जो भी आपकी ऊपर लोअर और हाईएस्ट और लोएस्ट जो आपकी लिमिट्स होती हैं वो फिक्स नहीं होती हैं, आप अपने अनुसार कितनी भी रख सकते हो, लेकिन इनको लोअर और हायर देन से शो किया जाता है। फिर आपका क्लोज एंडेड डाटा आता है जो कि आपका फिक्स न्यूमेरिकल्स होते हैं, लोअर और हायर लिमिट जो इनकी फिक्स होती है, और ये क्लोज एंडेड डाटा कहलाता है। आपका एक इंक्लूसिव सीरीज होती है, कुछ टर्म्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे इंक्लूसिव क्लास सीरीज क्या होती है, आपकी एक्सक्लूसिव क्या होती है, तो ये सारे टर्म्स मैं आपको क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको अगर पूछा जाए या फिर आपको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे इस तरीके से ये दे दिए जाए नंबर्स और पूछा जाए किस तरीके की सीरीज है, तो आपको वहां पर आप आसानी से पहचान सके। देखिए इंक्लूसिव क्लास सीरीज जो है ये बहुत ही स्पेसिफिक होती है नेचर में, और लोअर और हायर लिमिट को इसमें काउंट किया जाता है, लिखा जाता है। दे डज नॉट कंटेन कोई भी ये ऐसा लोअर और हाईएस्ट नंबर कोई भी ऐसे कंटेन नहीं करती है। इसमें आपका 0 to 9 और 9 के बाद में जो 10 है वो आपका नेक्स्ट नेक्स्ट सीरीज में आएगा, 19 to 29। तो इस तरीके से इसमें कुछ डिफरेंस रखा जाता है और ये इंक्लूसिव क्लास सीरीज होती है। फिर होता है एक्सक्लूसिव। देखिए इंक्लूसिव में क्या है, ये 9 पे खत्म हो रही है, एक्सक्लूसिव में ये 10 पर खत्म हो रहे हैं, मतलब 1 to 10 सबको इंक्लूड किया गया है इसमें। ये जो डाटा है जी ये या तो लोअर लिमिट को काउंट द डाटा विच आइदर लोअर लिमिट और काउंट हायर लिमिट, या तो लोअर लिमिट को काउंट करेगा या हायर लिमिट को, ऑफ डाटा यानी कि आप ऑफ डाटा ऑल दो द नंबर इज सेम, द नंबर इज सेम इन 2 रोज बट द नंबर इज काउंटेड एट वंस एंड द रूल इज अप्लाइड फॉर एवरी रो। यानी कि अगर जैसे कि आपका किसी भी चीज में जो नंबर है वो 10 आया है, 10 आपका यहाँ आपने एक बार काउंट कर लिया तो यहाँ काउंट नहीं करेंगे, इसी तरीके से 20 आपने यहाँ काउंट कर लिया तो यहाँ नहीं करेंगे, तो 20 तो इस तरीके से इसमें पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि आप जो भी काउंट कर रहे हैं जो एक बार जिस रो में काउंट हो गया है वो दूसरी में नहीं होगा। लेकिन इंक्लूसिव में फायदा ये होता है कि 9 के बाद 10 यहीं आएगा तो आप इसी में काउंट करेंगे, उसमें आपका कोई चांस दूसरा बच नहीं रहा है कि आप इसको दूसरे किसी रो में काउंट कर सकते हैं। तो इंक्लूसिव में जो है वो आपके प्री डिसाइडेड होती है अपर और लोअर लिमिट, और इसमें आपकी इन दो में एक क्रॉस चलता है। फिर उसके बाद आपका आता है क्लास बाउंड्रीज होती हैं। क्लास बाउंड्रीज जो है वो आपकी लोअर लिमिट और हायर लिमिट को जो प्लस करके जो आपके आती हैं वो आपकी क्लास बाउंड्रीज होती हैं। इट इज अ सम ऑफ 2 क्लासेस लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट डाटा, दिस रिप्रेजेंट द बाउंड्रीज ऑफ एनी टेब्यूलेटेड डाटा, मीन्स नो डाटा विल बी क्रॉस द लिमिट ऑफ लोअर एंड द अपर बाउंड्रीज। जो आपकी लोअर और अपर बाउंड्रीज हैं ये आपकी लोअर और ये जो अपर बाउंड्रीज हैं इनके बाहर, यानी कि अगर 11 आ रहा है तो वो 11 इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ पर 0 है या फिर अगर हम 30 वाले की बात करो, यहाँ पर अगर 29 आ रहा है तो इसमें काउंट नहीं होगा और यहाँ 41 काउंट नहीं होगा। तो ये इसका क्लास की बाउंड्रीज होती हैं। क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, जब अपर लिमिट
को लोअर लिमिट से माइनस कर दिया जाता है तो आपकी क्लास इंटरवल्स आ जाते हैं, यानी कि द होल रेंज ऑफ वेरिएबल वैल्यू इज क्लासिफाइड इन सम ग्रुप्स इन द फॉर्म ऑफ इन इंटरवल्स, ईच इंटरवल इज कॉल्ड एज क्लास इंटरवल, इट शुड बी इक्वल इन ईच इन हर एक क्लास में ये इक्वल होना चाहिए। और ये जो इसमें इसमें मल्टीपल्स ऑफ 5 में आपके जो क्लास इंटरवल्स होते हैं, जैसे कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरीके से क्लास इंटरवल्स चलते हैं। मतलब हर एक में पांच पांच का आपका गैप देखने को मिलेगा। फिर आपका आता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके उसको डिवाइड कर देते हैं तो आपको एक सेंटर पॉइंट निकल के आता है किसी भी पर्टिकुलर जो आपने रो बनाई हुई है, जो भी आपने क्लास इंटरवल बनाया हुआ है उसका, तो वो आपकी मिड पॉइंट कहलाता है, जो आपकी क्लास सीरीज होती है उसका मिड पॉइंट कहलाता है। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि आपके जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं उसमें यूज होते हैं, जैसे कि एन आपको देखने को मिलेगा। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए हमने यहाँ देखा था, यहाँ हमने देखा था, ये रहा एन। एन रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी है, ये आपकी एन है। ये जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये आपकी एन कहलाती है। उसके बाद आता है आपका क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। मिड पॉइंट क्या है, डिफरेंस ऑफ टू ईच ग्रुप्स, जो मैंने बताया कि दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला दे रखा है मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट जो है वो एम से डिनोट किया जाता है। के क्या है, नंबर ऑफ क्लासेज हैं, जो भी नंबर ऑफ क्लासेज हैं उनको हम के कहते हैं। ये आपकी लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेज होती हैं। सीएफ क्या होता है, ये क्यूमुलेटिव रेफरेंस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी चीज का, मतलब जो भी सारी चीजें हैं वो कितनी बार आई हैं उनका सम क्या है, वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी एक एवरेज होता है किसी भी चीज का, कि मिड पॉइंट, जैसे कि आप देखते हैं आपका एक आपके पास स्केल होता है लाइन खींचने वाला, तो उसमें एक सेंटर पॉइंट होता है, तो वो आप उसका एवरेज कहलाएगा। या फिर आप कहें कि किसी भी चीज के लिए हम एवरेज निकाल सकते हैं कि आपका अब जो बोर्ड के एग्जाम्स जो रिजल्ट्स आने वाला है, जैसे कि सीबीएसई कह रहा है कि 30, 20 और 50 का हम लोग रेशियो रखेंगे, तो वो एक एवरेज निकालेंगे। 30% 10th की बोर्ड से और 20% आपके 11th की एग्जाम आपके रिजल्ट से और 50% आपके 12th के प्री बोर्ड के बेस पर, तो ये उनको लोग एक एवरेज को निकालेंगे और उसको यूज करेंगे। तो ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी को नापने के लिए बहुत सारे तरीके यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपके अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्री मीन और आपका हार्मोनिक मीन। आपके जो बेसिक हैं, जो आपके प्रारंभिक में आते हैं सांख्यिकी में, वो ये तीन हैं। हम इन तीन के बारे में पढ़ेंगे, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो अर्थमेटिक मीन जो है उसे हम इससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। अर्थमेटिक मीन के लिए तीन फॉर्मूलाज होते हैं, ये डिपेंड करता है आपके डाटा के ऊपर। अगर आपका रॉ डाटा है तो आपका सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन यूज किया जाता है। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन यूज किया जाएगा। वहीं अगर आपका डिस्क्रीटेड डाटा है तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ यूज किया जाएगा। और अगर आपका कॉन्टिन्यूस डाटा है, अगर आपका कॉन्टिन्यूस डाटा है तो अर्थमेटिक मीन का आप यहाँ पर वो सिंबल लगाएंगे और आपका सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय एन आपका यूज किया जाता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से रटने हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिग्मा एक्स का क्या मीनिंग है, इट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा एफ एक्स इज सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच डाटा विद द फ्रीक्वेंसी होता है। फिर उसके बाद एफ का है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन। आपको इनके एब्रिवेशन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनके एब्रिवेशन को याद कर लीजिएगा कि इस पर्टिकुलर का मीनिंग क्या होता है। ये आपके मिड पॉइंट को डिनोट करता है। उसके बाद आपका आता है मीडियन। मीडियन जो है वो एक पोजिशनल एवरेज है, मतलब कि आपके पास जो पूरा जो डाटा दिया हुआ है उसमें आपकी उसको या तो हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करते हैं और उसके बाद में जब अरेंज करने के बाद में एक फॉर्मूला को लगाते हैं, और फॉर्मूला होता है एन, यानी कि नंबर ऑफ जो भी आपके फ्रीक्वेंसी है वो प्लस जो भी आपका डीथ
डिवाइडेड बाय टू ऑब्जर्वेशन। इसके थ्रू आपका जो मीडियन है वो आप अचीव कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपके जो डाटा है उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, उसका मिड पॉइंट क्या है, ये इसके लिए यूज किया जाता है। देखिए आपके जो आपका मीन है उसके लिए आप शॉर्टकट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, इनको भी लर्न कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो। लेकिन ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है और ये प्रारंभिक सांख्यिकी से थोड़ा ऊपर होता है। आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन है, कंबाइंड मीन है, इनके फॉर्मूलाज अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको कम्युनिटी पर इसके फॉर्मूलाज आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। हार्मोनिक मीन है, ये आपकी सारे भी मीन यूज किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे जो प्रारंभिक सांख्यिकी है उसी के बारे में से पूछा गया है। ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, अगर पूछा जाता तो मैं आपको ये सारी चीजें भी समझा देती। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं मीडियन के बारे में। पोजिशनल एवरेज होता है, जो मीडियन है इट इज एट वेरिएबल वैल्यू जो भी आपकी उसमें आती है, ये डिवाइडेड ये सेट ऑफ नंबर जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको डिवाइडेड बाय टू करके ये आपकी प्राप्त की जाती है। जो आपका फॉर्मूला है वो आपका एन प्लस वन ब्रैकेट ब्रैकेट याद रखेंगे टी एच और टू, मतलब आपका जो भी एन प्लस वन जो भी आपका नंबर है, जैसे कि आपके पास आया है, लेट मी शेयर, जो भी आपके पास जैसे कि आपके जो एन नंबर है वो आया है 10, इसमें प्लस आप 1 करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, यानी कि आपको आपके पास आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका 5.5 जो है वो मीडियन आ जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है। ये आपका पहले, लेकिन जरूरी है कि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी आपका रॉ डाटा है उसको अरेंज कर लें, उसके बाद इसको अप्लाई करें। उसके बाद आपका आता है मोड। मोड मतलब जो भी जो सबसे ज्यादा आपके नंबर फ्रीक्वेंसी नंबर है, जो जो चीज सबसे ज्यादा बार बार आ रही है काउंटिंग में, वो आपकी मोड कहलाती है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर एक टेबल देखी थी, इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका मोड क्या होगा, इसमें आपका मोड होगा 8, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नंबर सबसे ज्यादा बार ये आपका आया हुआ है या फिर सबसे ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ये आपके मोड कहलाता है, जो आपका सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है या फिर सबसे ज्यादा बार इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, देखिए 2003 में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया आपके सांख्यिकी से संबंधित, 2005 में नहीं आया, 2006 में एक क्वेश्चन था, 2009 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 13 में और 16 में रेगुलर एक एक क्वेश्चन आया, यानी कि अब भी जो पेपर होगा उसमें भी आने के चांसेस हैं। हालांकि पहले नहीं आए हैं लेकिन 13 और 16 में एक एक क्वेश्चन आया है। टोटल अभी तक आपके 3 क्वेश्चन सांख्यिकी से पूछे गए हैं। क्वेश्चन का है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, तो आपको उसी के बेस पर जो मैंने पढ़ाया उसी में से सिर्फ चीजें लर्न करनी है। अगर आपको किसी और नेट के लिए या किसी और चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको उसके लिए अगर फॉर्मूलाज चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो मैं आपको दे दूंगी। तो फिलहाल आपके पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए ये टॉपिक है नहीं, पीजीटी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सांख्यिकी आंकड़ों का प्रदर्शन कहलाता है, चार्ट, पोस्टर, ग्राफ या फिर फ्लैश कार्ड, तो आप इसको आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि हम ये चीज पढ़ चुके हैं, तो इट इज अ काइंड ऑफ टेस्ट फॉर यू, आपने जो भी पढ़ा है अभी तक वो आपको समझ आया है और लर्न रहा है या नहीं। फिर उसके बाद है मध्यमान, यानी कि जो आपका मीडियन होता है के लिए कौन सा सूत्र यूज किया जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि मीडियन के लिए कौन सा यूज किया जाता है, सॉरी मीन के लिए कौन सा आपका फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो आप मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और थर्ड क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, हिस्टोग्राम और आवृत्ति बहुभुज डैश के 2 ग्राफिकल प्रस्तुति हैं, ये इसका भी आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये अभी तक 3 क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन भी कम्प्लीट होता है। अभी तक हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं अपना होम मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन हमने स्टार्ट कर दिया है, चाइल्ड डेवलपमेंट, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना हेल्थ से रिलेटेड जो टॉपिक है, उससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं तो उनको स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप जरूर पूछिए। आप अगर आप नए हैं चैनल पर तो ग्लोबल गुंजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें वीडियो को, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।